प्रश्न छठवां सवाल है, वन प्लस कॉस थीटा बटा वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा बराबर फोर कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना सिद्ध करना है। सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड इसको लिख लेंगे, एल एच एस बराबर इवन लेफ्ट हैंड साइड है इसको लिखेंगे, वन प्लस कॉस थीटा बटा वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका इस प्रकार गुणा होगा तिरियक गुणा, ऐसे इसका ये वाला ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस कॉस थीटा, ये पहले से है ये ऊपर आ जाएगा तो वन प्लस कॉस थीटा माइनस ये जैसा है वैसे रहेगा वन माइनस कॉस थीटा, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, पूरे का बटा लगाएंगे यहाँ पर। अब इन नीचे नीचे का गुणा होगा तो ये होगा वन माइनस कॉस थीटा, फिर हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, क्लियर। इस प्रकार इसको लिखना है। अब इसमें देखिए, इसमें आप फार्मूला भी लगा सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें ए माइनस बी पूरे घात दो का फार्मूला लगा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तो इसको गुणा भी कर सकते हैं। इस एक का गुणा एक में होगा एक एकम एक, एक का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा गुणा दोनों में होगा तो कॉस थीटा गुणा एक में करेंगे तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे सेम इसको भी गुणा करना है लेकिन कोष्टक लगाना है क्योंकि सामने माइनस है, तो एक का गुणा एक में करेंगे तो एक, एक का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो चूंकि माइनस है तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा गुणा एक में करेंगे तो माइनस कॉस थीटा गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 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 प्लस, तो चिन्ह पर भी ध्यान देना है। तो आप फार्मूला लगा सकते हैं या इस प्रकार गुणा भी कर सकते हैं, ये पूरे का बटा रहेगा नीचे में, वैसे इसको भी गुणा कर सकते हैं या फिर इसमें नीचे फार्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी वाला, क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आप गुणा भी कर सकते हैं जैसे एक एकम एक, एक का गुणा कॉस थीटा करेंगे तो प्लस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा का गुणा एक में करेंगे तो माइनस कॉस थीटा गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस प्लस माइनस, तो चिन्ह पर भी ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ से देखिए एक का एक रहेगा, ये दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, समान चिन्ह जुड़ता है तो एक और एक, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक रहता है, यहाँ भी एक रहता है तो एक और एक दो कॉस थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैसा ही है। सेम वैसी एक का एक रहेगा, ये दोनों माइनस है तो समान चिन्ह जुड़ता है, एक और एक दो कॉस थीटा, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चिन्ह पर विशेष ध्यान देंगे। फिर ये हो गया बटा, इसमें देखिए जो एक जैसे रहता है और एक प्लस एक माइनस कट जाते हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, एक जैसे है तो कट गया, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर इसको वैसे लिख देंगे, वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ध्यान देंगे ये माइनस है तो अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस रहता है तो प्लस उल्टा माइनस, माइनस उल्टा प्लस, प्लस उल्टा माइनस, तो चिन्ह पर ध्यान देंगे अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि सामने में माइनस है, इसलिए बटा पूरे का बटा करेंगे, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ। याद रखेंगे ये किससे आया, इसे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो इसी से ये आया है आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे यहाँ जो एक जैसे है, एक प्लस एक माइनस कट जाते हैं, देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ से ये प्लस वन है और ये माइनस वन है, कट गया, क्या बच गया आपका, ये टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा,
क्लियर। तो ये दो और ये दो दोनों जुड़ जाएगा, दो और दो कितना हो जाएगा, चार कॉस थीटा। अब नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर है मतलब दो बार इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे दो बार लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब इसको दो भाग में बांट देंगे इस प्रकार, ये ऐसे हो जाएगा आपका चार का चार होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस बटे साइन बराबर क्या होता है, कॉट होता है, और एक बटे साइन बराबर कॉसेक होता है। क्लियर। इसका याद रखें, चूंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये फार्मूला है, बराबर होता है कॉट थीटा, और ये साइन नीचे में है मतलब नीचे में ऊपर लेके जाओगे, ये एक बटे साइन है, एक बटे साइन बराबर क्या होता है, कॉसेक होता है। अगर इसको आपको फार्मूला जैसे याद नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सीधे क्या करना है, फोर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं अगर फार्मूला याद नहीं है तो। यही सिद्ध करना था, हम यहाँ से लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ या प्रूव दैट, इति सिद्ध, हम ये भी लिख सकते हैं। याद रखेंगे सिद्ध करने वाले में उत्तर नहीं लिखना है। देखिए इसका सातवां सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वार्षिक परीक्षा में 6 अंक में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको तो बना ही लेंगे। तो इसका है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा लाना है। पहले इसको लिख लेंगे एल एच एस बराबर साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ से वैसे जब भी ऐसे प्लस रहता है बटे के रूप में है, तो इसको ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, मतलब ये साइन वाले ऊपर आ जाएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, वैसे ये वाला ऊपर आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा बटा, ये नीचे कुछ ऐसा है वैसे लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से साइन और साइन का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका आप ए प्लस बी पूरे का दो का फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या इसको गुणा कर सकते हैं, तो एक एकम एक, एक का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, वैसे कॉस थीटा गुणा एक में करेंगे तो कॉस थीटा, फिर कॉस को गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें प्लस है उसमें पूरा प्लस ही आता है, बटा नीचे को जैसा है वैसे लिखते जाना है उसको, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको एक साथ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर को एक साथ लिखना है क्योंकि इसका फार्मूला बनेगा, ये एक का एक रहेगा, कॉस थीटा जुड़ जाएगा तो एक और एक दो कॉस थीटा, बटा नीचे को जैसा है वैसे छापते जाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये अपने आप में एक फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, लिख देंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो इन दोनों के बदले हम लिखेंगे क्या एक, और जो पहले से बचा है उसको लिख देंगे, पहले से एक है और क्या है टू कॉस थीटा, बटा नीचे को जैसा वैसे लिखते जाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखेंगे एक और एक दो होगा और दो चार नहीं करना है क्योंकि उसमें कॉस थीटा है, तो केवल एक और एक जुड़ेगा, एक और एक दो, इसको वैसे ही लिख देना है 2 कॉस थीटा, नीचे को जैसा है वैसे लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 को कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से आपका बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए दोनों में 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं मतलब एक बचेगा, और यहाँ पर क्या बच गया आपका कॉस थीटा बच गया, नीचे को तो वैसे ही लिखते जाएंगे, नीचे कुछ नहीं करना है 1 प्लस कॉस थीटा
साइन थीटा। क्लियर हुआ? अब यहां से देखिए, ये वन प्लस कॉस थीटा ऐसे कटा देना है, एक एक और कॉस थीटा नहीं कटाना है, ऐसे तिरछा कर देना, मतलब दोनों कट गए। अब इसमें क्या बच गया, ऊपर में दो, नीचे में क्या बच गया, साइन थीटा। तो इस प्रकार इसमें बच गया ऊपर में दो और नीचे में क्या बच गया, साइन थीटा। तो साइन को जब ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो ये हो गया दो कॉसेक थीटा, इसे लिख देंगे चूंकि एक बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्लियर? बात समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हैं प्रश्न में क्या है, कॉसेक थीटा लाना है तो उसको आप लिख सकते हैं। तो फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए आपसे, फिर ये आसानी से बन जाएगा। इस प्रकार इसको लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ये क्या हो गया, रूट हो गया। छह अंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान पूर्वक आप बनाए, बहुत ही सरल है। तीन चार बार इसको बनाएंगे, देख देख कर भी बनाएंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा।